Okay guys, so let's see now the variable register. Okay, so another variety of your fixed register. अभी हम लोग देख रहे हैं, सॉरी हम लोग अभी फिर से एक another टाइप देख रहे हैं आपके फिक्स्ड रजिस्टर का. तो फिक्स्ड रजिस्टर का नेक्स्ट टाइप है वायर वाउंड रजिस्टर. सो वायर वाउंड रजिस्टर मतलब एग्जैक्टली क्या होते हैं, देखिए. तो वायर वाउंड रजिस्टर जो होते हैं, ऐसे रजिस्टर जिनके ऊपर क्या होता है, कॉपर वायर जो होता है वो लगा हुआ रहता है. ठीक है, ओके. तो वायर वाउंड रेजिस्टर जो है ऊपर से दिखने में ये इसी तरह के होते हैं. ठीक है, ऊपर से ऐसे ही दिखते हैं, बट इंटरनली अगर हम लोग इनको ओपन करते हैं तो इंटरनली इसके ऊपर क्या होता है, वायरिंग होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है प्रॉपरली, तो ये इस तरह से कवरिंग होती है वायर्ड रेजिस्टर्स के ऊपर. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये रेजिस्टर ऊपर से आपको पूरी तरह से कवर्ड दिखेगा, बट इंटरनली इसके अंदर क्या रहेगी, अलग अलग सब्सटेंस की वायरिंग. जैसे सिरेमिक सब्सटेंस हो गए, ठीक है, तो ये है आपका वायर्ड रेजिस्टर. ओके, सो वायर वाउंड रेजिस्टर मतलब जिसके जिस रेजिस्टर्स के अंदर क्या रहेगा, कॉपर वायर लपेटा हुआ रहेगा. नाउ दिस इट इज यूज्ड, इट यूजेस अ लेंथ ऑफ रेजिस्टर वायर सच एज द माइक्रोम. द वायर इज वाउंड इनटू अ राउंड हॉलो पोर्कलेन कोर एंड द एंड ऑफ अ वायर आर अटैच्ड टू द मेटल पीस इंसर्टेड इनसाइड द कोर एंड द असेंबली इज कोटेड विथ एन इनेबल कंटेनिंग द पाउडर्ड ग्लास. इट इज देन हीटेड एंड दिस कोटिंग इज स्मूथ एंड गिव द मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द वाइंडिंग. अभी सबसे पहले होता क्या है, ये किस तरह से बनता है, तो ये जो आपका वायर वाउंड रेजिस्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे ये रेजिस्टर है तो इसका इधर का टर्मिनल और ये टर्मिनल, ठीक है, इसके अंदर से अगर आप लोग देखोगे तो मेटलिंग कंडक्टर जो है वो कंडक्टर यहां से पास हो रहा है इंटरनली. तो ये कंडक्टर को ये कॉपर वायर का एक एंड और इधर से इस कॉपर वायर का दूसरा एंड क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है. ओके, सो द वायर वाउंड इनटू अ राउंड एंड हॉलो पोर्कलेन कोर. तो ये जो बॉडी है इसकी, दैट बॉडी इज योर पोर्कलेन कोर. मतलब कौन सी बॉडी, इंटरनल बॉडी की बात कर रही हूं मैं. ठीक है, इंटरनल बॉडी मतलब कौन सी, कि ये जो यहाँ पे जो बॉडी दिख रही है हम लोगों को ग्रीन वाली, ये है इंटरनल बॉडी. उसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा है और इसके ऊपर यहाँ पर हम लोगों को जो दिख रहा है ये ऊपर से और एक कोटिंग यहाँ पे क्या की गई है, चढ़ाई गई है. तो हम लोग अभी तक जिस चीज की बात कर रहे हैं तो वो एरिया जो है वो इंटरनल एरिया है, उसके ऊपर कॉपर वायरिंग रहेगी और उसके ऊपर फिर से ये इस तरह की क्या आएगी, कोटिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी. तो इंटरनल जो कवरिंग है या फिर इंटरनल जो मटेरियल है वो पोर्कलेन का बना हुआ रहता है, उसके अंदर एक मेटल पीस इंसर्ट किया गया रहता है जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, ये जो लॉन्ग रॉड जैसे हम लोगों को दिख रहा है ये क्या है, एक मेटल पीस है जिसके दोनों भी एंड्स को क्या रहेगा, आपका जो कॉपर वायर है वो कनेक्टेड रहेगा. उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मटेरियल या फिर ये जो पूरा का पूरा भी सेटअप जो तैयार हो गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे. किसके अंदर इंसर्ट करेंगे या फिर कोट करेंगे, हम लोग इसको पाउडर्ड ग्लास के अंदर कोट करेंगे, उसको हिट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो कवरिंग है वो स्मूथ कवरिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगी. ठीक है, नाउ द वैटेज ऑफ द वायर वाउंड रेजिस्टर इज हाई एंड इट कैन बी अबाउट 200 वैट. तो अभी इस वैट रेजिस्टर सॉरी वायर वाउंड रेजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, मतलब कितना वैट ये वोल्टेज कंटेन करता है, दैट इज 200 वैट. और ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां से कहां तक देता है, 1 ओहम से लेके 100 किलो ओहम तक, इतना रेजिस्टेंस ये हमको प्रोवाइड करके देता है. नाउ नेक्स्ट इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस. अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाए थे. ओके, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ऐसे रेजिस्टेंस जिनको हम लोग जिनकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली चेंज कर सकते हैं. तो ऐसे रेजिस्टेंस जिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना, तो वैसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं योर फिक्स्ड रेजिस्टेंस. ये हो गया आपके वेरिएबल
रेजिस्टर्स, ये इस तरह के वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाए थे, और ये जो नॉब है इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टर्स की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये है उसका सिंबल, किसका, वेरिएबल रेजिस्टर का। नाउ वेरिएबल रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट दी वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वेरिएबल रेजिस्टर्स आर कॉल्ड एज द रियोस्टेट और अ पोटेंशियोमीटर। तो आपके जो वेरिएबल रेजिस्टर्स है इन्हीं को रियोस्टेट या फिर पोटेंशियोमीटर भी बोला जाता है। हम लोग क्यों यूज करते हैं इन वेरिएबल रेजिस्टेंस को, अगर हमें सर्किट के अंदर का करंट और वोल्टेज अगर चेंज करते रहना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मतलब मेरे पास एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, अभी उस स्विच बोर्ड के अंदर कभी जो है मैं मिक्सर चला रही हूँ, कभी उसके ऊपर चार्जिंग के लिए मोबाइल लगा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मिक्सर चलाने के लिए जितना करंट और वोल्टेज लगता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी चार्जिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कोई डिवाइस ज्यादा वोल्टेज और करंट ले रहा है, कोई डिवाइस कम वोल्टेज और करंट ले रहा है, तो अगर मैं इस सर्किट के अंदर फिक्स रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, तो एक तो वो मिक्सर को लगेगा उतना करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, या फिर वो मोबाइल चार्जिंग को जितना लगेगा उतना करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। वो हर बार अपनी वैल्यू को चेंज कर पाएगा क्या, अगर वो फिक्स रेजिस्टर रहा तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर सर्किट्स के अंदर क्या यूज किए जाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, ताकि हर डिवाइस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली करंट की जो वैल्यू है, वोल्टेज की जो वैल्यू है, वो क्या हो सके, कम ज्यादा हो सके। नाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। इन लीनियर टाइप द रेजिस्टर वैरीज नियर लीनियरली विद द रोटेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, एंड इन नॉन लीनियर टाइप द वेरिएशन इज लॉगरिथमिक वेरिएशन। ठीक है, तो अभी अगर लीनियर है, लीनियर मतलब अगर ये जो मूवमेंट है इस नॉब की अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लीनियरली चेंज होगा, और वही अगर हम लोग इस तरह के रेजिस्टर्स को देखें तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टर चेंज होता है वो होता है नॉन लीनियर फॉर्मेट के अंदर। ओके, सो ये हो गया आपका रेजिस्टर फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर। ओके, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर, लेट्स सी। तो कैपेसिटर मतलब क्या होता है, कैपेसिटर इज अ बेसिकली मीन्ट टू स्टोर द इलेक्ट्रॉन। ओके, रेजिस्टर्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकते थे, ठीक है, कम से कम अमाउंट में उनको फ्लो करने देते थे, पर कैपेसिटर करंट को मतलब इलेक्ट्रॉन को टोटली क्या कर देता है, खुद के अंदर स्टोर्ड कर देता है, और उनको तभी रिलीज करता है जब उनको जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारा फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, जो फैन हम लोग यूज करते हैं, पंखा हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग उसकी स्पीड को कम ज्यादा किसकी हेल्प से करते हैं, कैपेसिटर की हेल्प से। सो कैपेसिटर एग्जैक्टली करता क्या है कि अगर मैंने फैन की स्पीड को कम पे रखा है, 2 या 3 पर रखा है, 1 पर रखा है, तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं, मतलब अगर मैं 5 की स्पीड पे कर दूं फैन को, तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना, और अगर मैं 1 की स्पीड पे रखूं तो वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फैन के पास इलेक्ट्रिसिटी तो टोटली आ रही है 5 के स्पीड की, बट जब मैं उसको 1 के स्पीड पर ला रही हूं तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर के वो क्या हो रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर ही क्या हो रहे हैं, स्टोर होके रह रहे हैं। और जब हम लोग उसके स्पीड को कम ज्यादा या चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इट इज मेजर्ड इन फैराडे। कैपेसिटर को हम लोग फैराडे में गिनते हैं। ये जो फैराडे यूनिट है वो बहुत लार्ज यूनिट है, मतलब अगर आपका जो चार्ज स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर वो बहुत कम रहेगा तो उसको हम लोग गिनेंगे माइक्रोफैरेड्स के अंदर। किसके अंदर, माइक्रोफैरेड, मतलब जनरली तो कैपेसिटर मेजर करने का यूनिट फैराडे है, पर अगर कैपेसिटर बहुत कम वैल्यू में है, जैसे 10^-6, 10^-4 ऐसी अगर वैल्यू है उसकी, तो उसको गिनेंगे हम लोग माइक्रोफैरेड या फिर पिको फैरेड। पिको मतलब 10^-12 फैरेड के अंदर। सो हम लोग अभी फिलहाल ये देखते हैं कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह के होते हैं, किस तरह के दिखते हैं। तो ये है आपके
कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर जो है ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये भी कैपेसिटर ही है आपके, ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ योर कैपेसिटर, तो ये होते एग्जैक्टली आपके कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैपेसिटर जो है वो लो इम्पीडेंस जो है ऑफर करता है जब उसके अंदर से अल्टरनेट करंट फ्लो हो रहा है, और हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है जब उसके अंदर से डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। अभी इम्पीडेंस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, द स्पीड ऑफ करंट। इम्पीडेंस मतलब क्या, करंट की स्पीड। अगर अल्टरनेट करंट है तो करंट की स्पीड जो होगी वो कैपेसिटर प्रॉपरली या लो कैपेसिटी में फ्लो करेगा या लो कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, पर वही अगर कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा है तो वो इम्पीडेंस मतलब फ्लो ऑफ करंट कैसा प्रोवाइड करेगा, फास्ट या फिर वेरी हाई। देयरफॉर द कैपेसिटर विच आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू कपल अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर व्हाइल एट द सेम टाइम चेकिंग द डीसी वोल्टेज, इट इज ऑल्सो यूज्ड to bypass the AC current and the capacitor form a turn circuit in series or parallel with the indicator. तो जो capacitor होते हैं वो generally series या parallelly arrange होते हैं inductor के साथ. Okay. Now capacitor जो होते हैं उसके capacitor बने कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे हम लोगों ने capacitor की ये diagram तो already देखी है कि capacitor जो है ये इस तरह के होते हैं। जैसे हम लोगों यहाँ पे कुछ तो भी एक ऊपर से covering दिख रही है, internal में एक black material दिख रहा है, ये टू पिन्स या फिर टू कंडक्टर्स हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। सो एग्जैक्टली वो कंडक्टर्स या फिर वो पिन्स मतलब क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कंडक्टर होता है वो टू कंडक्टिंग प्लेट्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट्स मतलब दिस टू पिन्स जिनको प्लेट्स बोला गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जो प्लेट्स होती है, ठीक है, तो वो कंडक्टिंग मतलब कॉपर या फिर अलग कोई मेटल की बनी होगी जो करंट को, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। और दिस टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल नोन एज अ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आता है जो दोनों प्लेट को एक दूसरे से क्या रखता है, सेपरेट रखता है, ठीक है। द कंडक्टिंग प्लेट्स एंड द डाई इलेक्ट्रिक कैन बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स बनाई है, ये प्लेट हम लोग बनाएंगे कॉपर या फिर अलग कोई मटेरियल से जो करंट फ्लो करता हो, और जो डाई इलेक्ट्रिक है वो डाई इलेक्ट्रिक बनेगा आपका किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता होगा। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के हम लोगों को बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। जैसे कैपेसिटर में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, दूसरा होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर में मेनली मिका, सिरामिक, पेपर एंड इलेक्ट्रोलाइट विच आर फिक्स्ड कैपेसिटर। तो जो मिका देन सिरामिक पेपर या फिर इलेक्ट्रोलाइट से बने हुए कैपेसिटर होते हैं वो होते हैं आपके फिक्स्ड कैपेसिटर, और एयर गैंग कैपेसिटर जो है आपका वो है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। तो जो मिका कैपेसिटर है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी जो मिका कैपेसिटर है उसके अंदर एग्जैक्टली आती है आपकी एल्यूमिनियम फॉयल। तो ये जो ऊपर का ऊपर का जो लेयर्स है, दिस ऊपर की लेयर मतलब ये जो ऊपर की लेयर है ये बनी रहती है एल्यूमिनियम फॉयल से, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉयल मतलब जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ना फूड पैकिंग के लिए, दैट एल्यूमिनियम फॉयल से ये ऊपर की जो लेयर है वो बनी रहती है। और हर एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर एक होती है मीका शीट, ठीक है। तो मीका जो मटेरियल है उस मटेरियल से बनी हुई शीट इसके अंदर होती है। तो हम लोग इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं कि मीका कैपेसिटर एग्जैक्टली होता किस तरह से। हाँ, तो ये है आपका मीका कैपेसिटर इंटरनल डायग्राम। ओके, तो ये जो आपका मीका कैपेसिटर है एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है। जैसे ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, वन बाय वन डिफरेंट लेयर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, देखिए ये एक लेयर है, उसके बाद ये दूसरी लेयर है, ठीक है, उसके बाद ये तीसरी लेयर है, और इसके अंदर ये जो
लाइन स्लाइस में दिखा गया है वो है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। और ये जो ऊपर का है दैट इज योर फॉइल, ये जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल है, ये जो व्हाइट लाइंस है दैट इज योर फॉइल, और ये जो इंटरनली मटेरियल है दैट इज योर मीका मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ योर डाई इलेक्ट्रिक। और ये जो लीड्स, मतलब हम लोगों ने जो देखा था, ये जो पीन्स है इसकी, ये पीन्स जो है ये पीन्स बनी रहती है आपकी लीड या फिर कोई कंडक्टिंग मटेरियल की, ठीक है। और एक्चुअली कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरह से दिखाया जाता है। नाउ दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड टू टू इलेक्ट्रोड। अभी ये जो प्लेट्स होती है वो दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट होती है, जो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ये जो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये डिफरेंट प्लेट्स है, और ये किसको कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रोड को, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। सो दिस टू इलेक्ट्रोड्स आर द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टू इलेक्ट्रोड। और जो आपका कैपेसिटर है वो आपको कहाँ से कहाँ तक कैपेसिटी देता है, 5 to 1000 फैरड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैपेसिटी मिलती है 5 to 1000 पीको फैरड। कितनी कैपेसिटी मिलती है, 5 to 1000 पीको फैरड की। सो दे आर रेटेड एट दी 500 वोल्ट। तो ये जो होते हैं ये 500 वोल्ट तक आपको क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। और लीकेज जो होता है करंट का इसके अंदर, वेरी स्मॉल लीकेज ऑफ करंट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीका कैपेसिटर। नाउ सिरेमिक कैपेसिटर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।